हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग सिंपल लाइफ ऑफ अनु। आज देख सकते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये कुर्सेला का व्लॉग है और कुर्सेला घर से हम लोग जा रहे हैं गांव। तो ये सुबह सुबह हम लोग निकले थे 9 बजे के करीब, तो जाना था गांव। तो ज़्यादा दूर तो है नहीं, 8-9 किलोमीटर दूर है घर से, तो जाने में 15-20 मिनट का टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि गांव जाने में रोड जो है बिल्कुल खाली रहता है। तो देख सकते हैं बिल्कुल हरा भरा नज़ारा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम फूआ और मम्मी जा रहे हैं, अंकल जी पहले से ही वहाँ पे पहुँच चुके हैं, वो पीछे से आ रहे थे बट वो आगे निकल गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग गाँव पहुँचने वाले हैं। ये पुल है बीच में, ये नीचे जो खेत देख रहे हैं ये कोसी है, बट अभी पानी जो है बिल्कुल सूखा हुआ है, तो लोग यहाँ पे खेती कर रहे हैं पूरा। तो ये गांव का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो आप लोग हरा छाल केला, जिसको सिंगापुरी केला भी बोलते हैं, तो वो ये छोटा छोटा जो पेड़ दिख रहा है वो सिंगापुरी केला का है। इधर ही इसका खेती बहुत ज़्यादा होता है। और ये पूरा केला का खेत है और ये सिंगापुरी केला का जो पेड़ होता है वो छोटा छोटा ही होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है बाकी सब केला की तरह, ये छोटा ही रहता है। तो इसका खेत है पूरा, पहले तो बहुत ज़्यादा खेत दिखता था बट अब जो है खेती थोड़ा कम होने लगा है, या हो सकता है इस सीज़न में अभी कम दिख रहा है। और ये है पटुआ जिसको जूट बोलते हैं, तो ये आजकल पटुआ का खेती हो रहा है। तो आगे हम लोग का गांव और ये जो सामने वाला खेत है ये भी हम लोगों का ही है, इसमें पटुआ लगा हुआ है। और ये है बरगद का पुराना पेड़ जो कि मेरे परबाबा लगाए थे, तो ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना हो गया। और हम लोग घर आते ही पहले तो हाथ मुँह धोए यहाँ कल पे, और कल के पास ही ये कटहल का पेड़ है और इसमें कटहल बहुत ज़्यादा फड़ा हुआ है बट कोई खाने वाला ही नहीं है। तो ये है गांव और हम लोग पहुंच चुके हैं गांव। तो यहाँ पे मेनली हम लोग पूजा करने के लिए आए थे, तो यहाँ पे मम्मी पूजा और मम्मी और फुआ दोनों मिलके अपना पूजा का तैयारी कर रही है, जो भी साफ़ सफाई का काम है वो सब, और उसके बाद फिर होगा पूजा। तो जो हम लोगों के घर के कुल देवता हैं वो यहीं पे हैं, नरसिंह भगवान, जिनको अभी ये गाँव में ही है और गाँव से बाहर नहीं ले जाया गया उनको, तो यहीं पे उनका पूजा होता है। तो बहुत टाइम के बाद मम्मी आई है पूजा करने के लिए। और ये भी है कि सब लोग ये देवता नहीं छू सकते हैं, जो लोग गिढ़ारी करते हैं उन्हीं लोगों को ये देवता छूना रहता है। और हम लोग के घर में नियम है कि बेटी नहीं छूती है, तो यहाँ पर जो बहू है उन लोग को ही पूजा करना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 रूम दिख रहा है, तो फ़िलहाल तो यही है, ये सबसे पुराना रूम है। और ये सामने वाला आजीमा का घर है सामने से, तो एक तरफ आजीमा का था जो कि मेरी बड़ी दादी थी, तो उनका एक साइड से पूरा ये टूट रहा है क्योंकि कोई रहने वाला उनका है नहीं, सब लोग बाहर रह रहे हैं। और बड़े पापा जो है वो दिल्ली में रहते हैं, तो उनका सारा परिवार जो है बाहर ही शिफ्ट हो गया, इसलिए यहाँ पे तो कोई नहीं है, तो बस दादी माँ ही रहती थी या अंकल जी, तो ये लोग ही अपना घर का जो भी है देखभाल करते हैं, इसलिए ये घर टिका हुआ है। और ये मेरे परबाबा का बनाया हुआ घर है, तो बहुत पुराना घर है। और इसके पीछे भी बहुत लंबा चौड़ा घर था जो कि टूट चुका है और बस इतना ही बचा है अभी। तो ये दोनों रूम जो है इसमें हम लोग का पूरा बचपन जो है बीता है यहाँ पे, और पूरा बचपन का याद ताज़ा हो जाता है इसको देख के, अच्छा लगा। बहुत टाइम के बाद हम लोगों का तो जाना हुआ, और बिल्कुल 20 साल हो चुका था गया हुआ, क्योंकि जब मेरी बड़ी दादी माँ गुजर गई थी तभी हम लोग पूरा फैमिली जो है वो एक साथ वहाँ पे मिले थे, जो कि पूरा ख़ानदान जो है वो आया था 2002 में। और उसके बाद फिर सबका पढ़ाई, बाहर रहना सब कुछ हो गया, तो सब लोग पढ़ाई की वजह से गांव में एक साथ आ नहीं पाते, तो तब से हम लोगों का भी आना जाना बिल्कुल बंद ही हो गया था। मम्मी लोग जाती थी बट हम लोग बच्चा लोग का जाना बंद था, तो अब आना हुआ है यहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइम के बाद। तो
बिल्कुल सब कुछ आँख के सामने आ रहा है कि किस तरह हम लोग यहाँ पे खेला कूदा करते थे और सब लोग मस्ती करते थे। और हम लोगों को कभी घर से बाहर ही जाना नहीं होता था, इतना बड़ा घर था कि हम लोग घर में ही खेलते कूदते रहते थे। कभी आस पड़ोस किसी से कुछ लेना देना नहीं होता था हम लोगों का, बिल्कुल घर में ही हम लोग इतने बिजी रहते थे कि कहीं और दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं होता था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी लोग पूजा में बिजी है और हम जो है पूरा घर को देखने में। और मम्मी का शादी भी इसी घर से हुआ था और मम्मी शादी के बाद यहीं पे आई थी और बिल्कुल 10 साल जो मम्मी का यहीं पे बीता है। तो अच्छा लगा देख के और मम्मी को भी थोड़ा सा पुराना अपना जो भी था देख के कुछ याद आ रहा था। तो बिल्कुल माहौल जो था थोड़ा खुश भी और थोड़ा उदासी भी था, दोनों सब साथ साथ हो रहा था क्योंकि कुछ अच्छा भी लग रहा था और कुछ बुरा भी लग रहा था घर को देख के भी, कि क्योंकि अब यहाँ कोई रहता नहीं है। तो मम्मी लोग का पूजा हो गया था, इसके बाद हमको भी पूजा करना था। तो थोड़ा बहुत दूर से ही, मेरा तो वैसे पूजा बस अगरबत्ती ही दिखाना था क्योंकि हम दो बेटी हैं, तो यहाँ पे हम और फुआ बस थोड़ा बहुत पूजा कर रहे थे, मेन मम्मी को ही करना था सब कुछ। तो मम्मी पूजा कर चुकी थी, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा बहुत अगरबत्ती दिखा रहे थे और घर में यहाँ पूजा हो जाने के बाद फिर हम लोगों को एक मंदिर भी जाना था। वो गांव का जो है वो एक पूजा का स्थान है जहाँ पे सब लोग जाके पूजा करते हैं। तो यहाँ पे घर पे पूजा कर रही हैं मम्मी। तो यहाँ पे एक नियम है कि घर के देवता का पूजा करने के बाद यहाँ पे चौखट के पास भी पूजा किया जाता है, तो वही यहाँ पे मम्मी कर रही है। और उसके बाद फिर यहाँ तुलसी में भी पूजा करना था, तो ये पुराना तुलसी चौरा और इससे भी पुराना एक चौरा जो था वो पीछे था, पीछे वाले आंगन में, बहुत सुंदर था, बहुत पुराना था। तो उधर का आंगन टूटने के बाद फिर ये नया चौरा बनाया गया, ये भी 2000 के टाइम में ही बना था, ये भी 20 साल पुराना ही है, कुछ नया ज़्यादा नहीं है। और ये सामने से जो ये साइड में जो रूम दिख रहा है जो बंद है वो किचन है जिसमें दादी माँ खाना पीना बनाती थी। तो वो पहले वाला आंगन टूटने के बाद इसको बनाया गया था किचन। और यहाँ पे पेड़ पौधा फूल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, बहुत ज़्यादा, बट अब कोई रहता नहीं है तो कम हो गया है। फिर भी अभी भी ये जो सामने से जो ये करोटन का पेड़ दिख रहा है जिसका पत्ता जो है कलरफुल है, ये भी 20-25 साल पुराना है क्योंकि हम लोग बचपन से इसको देखते आए हैं और अभी भी ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है और बड़ा हो गया। पहले छोटा छोटा था बट अब बड़ा हो चुका है। तो सब कुछ वैसा का वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला, बिल्कुल देख के अच्छा लग रहा था और थोड़ा बुरा भी लग रहा था क्योंकि सब लोग नहीं थे, बस कुछ लोग ही थे वहाँ पे। पहले सब लोग छठ के टाइम में सब लोग मिलते थे और सब जो फैमिली था सब एक जगह आके ही पूजा पाठ सब कुछ होता था, तो हमेशा मिलना जुलना हो जाता था। पर सब लोग अब इधर उधर रहने लगे तो कम ही आना जाना हो पाता है। तो यहाँ से घर में पूजा करने के बाद हम लोग निकले बाहर की तरफ। तो जो बाहर एक पूजा का स्थान है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं जिसको गांव में चन्नी वहाँ बोला जाता है, तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए। मम्मी जा रही है तो बने रहिए ब्लॉग में और देखिए। और ये बरगद का पेड़ जो है ये बहुत पुराना है, तो ये 100 साल से ऊपर हो चुका है क्योंकि ये मेरे पर बाबा ही लगाए थे और सब कुछ यहाँ पे बनाया हुआ उनका ही था। थोड़ा बहुत अब जो भी है आगे वो अंकल जी करवाए हैं, नहीं तो सब कुछ वैसे के वैसा ही पुराना ही है। तो ये मंदिर देख सकते हैं, ये मंदिर बन चुका है चन्नी माँ का, बट अभी स्थापना नहीं किया गया है उनको अंदर, तो अंदर अभी मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत काम बाकी है। तो बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया है, ये गांव से ही चंदा इकट्ठा करके। और ये तो नहीं बोल सकते कि अगली बार आएंगे तो आपको मंदिर का भी दिखाएंगे क्योंकि कुछ पता नहीं कि कब फिर दोबारा यहाँ आना हो। तो
ये सामने जो खेत देख रहे हैं ये भी हम लोग का ही है। बहुत लंबा चौड़ा खेत है दूर तक, जो कि अभी पटुआ लगा हुआ है तो आपको दिखा नहीं सकता या दिख नहीं पाएगा। ये सामने भी जो मकई का खेत था ये भी हम लोगों का ही था, तो मकई कट चुका है। और जो देख रहे हैं सामने जो वो स्कूल है, तो यहाँ पे गांव में बस एक ही स्कूल हुआ करता था, तो वो भी 5 तक ही था बहुत पहले। तो मेरी फुआ लोग इसी स्कूल में पढ़ी हुई हैं, तो यहाँ पे गांव में बस ये एक स्कूल था और बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं था, इसलिए यहाँ से शहर की तरफ घर बनाया गया मेन टाउन में, ताकि जो आगे का जनरेशन है वो अच्छे से पढ़ लिख सके, ये सोच के साथ ही वहाँ पे घर बनाया गया। तो वो घर का भी टूर आपको अगले ब्लॉग में जरूर मिलेगा, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और यहाँ पे देख सकते हैं ये परवल का खेती किया गया है, तो ये किसी और का खेत है जिसमें परवल लगाया गया है, तो ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो लोग परवल का खेत नहीं देखे हैं वो इस ब्लॉग में देख लें परवल का खेत कैसा होता है। और ये पटुआ जिसको जूट कहते हैं, जूट तो समझते ही होंगे आप लोग, तो ये वही जूट का खेती किया गया है। तो बहुत साल के बाद किया गया है ये जूट का खेती, पहले ये इसमें कुछ और फसल होता था लेकिन अभी जूट लगाया गया है। और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी है और पहले बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था, अब कुछ फ़ायदा हो रहा है जूट में, इस वजह से जूट लगाया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी लोग पूजा कर रही है और हम यहाँ पे ब्लॉग बनाने में लगे हुए हैं, ताकि आप लोग के साथ शेयर कर सके अपना जो पुश्तैनी गांव है वो, जो कि मेरे पर बाबा का है। तो यहाँ पे मम्मी लोग पूजा कर रही है। वैसे ये जब खेत नहीं था, खेत में कोई फसल नहीं होता था, तो बीच से शॉर्टकट है जिससे घर के पीछे से हम लोग शॉर्टकट से आ जाते थे, बट अभी खेत में पूरा फसल लगा हुआ है, तो इस वजह से हम लोगों को रोड से आना पड़ा। नहीं तो मम्मी लोग रोड से नहीं निकलते थे क्योंकि बहू है, तो रोड से आना जाना नहीं हुआ करता था उस टाइम। तो ये देख सकते हैं पटुआ नज़दीक से, साइड से इसमें मकई लगाया गया है ताकि कुछ भी जो गाय बकरी है वो अंदर की तरफ ना जा सके, और बीच में पटुआ। तो ये है हम लोगों का खेत, और बहुत दूर तक खेत है, बहुत लंबा चौड़ा खेत है, बहुत दूर तक फैला हुआ है, जो कि कैमरे से दिखाना मुश्किल हो रहा है, किसी ऊंचे जगह से दिख पाता बट ऐसे नहीं दिख पा रहा है। तो दूर से ही आप लोग यहीं से देख लीजिए कि कैसा व्यू है खेत का। और यहाँ पे पूजा हो रहा है, पूजा हो चुका है, इसके बाद अब मेरा टाइम है थोड़ा सा हाथ जोड़ लेने का, तो यहाँ पर हम भी पूजा कर रहे हैं। वैसे तो मम्मी फुआ ही सब कुछ कर रही है, हम बस थोड़ा बहुत अगरबत्ती दिखा लिए। तो ये भी बहुत फेमस माता का ही यह स्थान है, तो यहाँ पे बलि भी दिया जाता है। हम लोग बहुत छोटे थे तब एक घर में ही खस्सी का बलि दिया गया था यहाँ पे, तो हम लोग देखे थे वो। और उस टाइम में एक पीपल का पेड़ हुआ करता था यहाँ, पीपल के पेड़ के नीचे यह स्थान था, बट अब पीपल का पेड़ एक आंधी में गिर गया, और उसके बाद से कहा जाता है कि जब जब भी लगाया जाता है पीपल का पेड़ सूख जाता है, वो बड़ा हो ही नहीं पाता है, तो अभी पेड़ नहीं है यहाँ पे। और ये मंदिर देख सकते हैं बहुत सुंदर बनाया गया है, वैसे अभी काम चल ही रहा है, पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा मंदिर बन के तैयार हुआ है। और इधर से देख सकते हैं ये हम लोगों का खेत है, तो देख सकते हैं जहाँ भी नज़र जा रहा है वहाँ तक ये पटुआ ही दिख रहा है। और यहाँ पे मम्मी बैठी हुई है पूजा करने के बाद, और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मंदिर के अंदर देखने आए थे कि किस तरह का मंदिर बना है अंदर, तो बहुत सुंदर मंदिर अंदर तैयार हुआ है। तो हम लोगों का अब हो गया जाने का टाइम, पूजा पाठ हो चुका है, और यहाँ पे फुआ जो है वो प्रसाद दे रही है बच्चे को। तो ये भी जान पहचान की ही है बच्ची, बट वो हम लोगों को नहीं पहचानती है, फुआ उसको पहचानती है, तो वो फुआ उनको उसको प्रसाद देगी। तो हम लोगों का पूजा पाठ यहाँ पे हुआ ख़त्म, और हम लोग चल रहे हैं अब घर की तरफ।
तो देख सकते हैं। बस यही पूजा की वजह से ही हम लोगों का गांव आना हुआ था, और मेरा तो बहुत मन था गांव देखने का, तो इसी पूजा के बहाने गांव घूम भी लिए। और यहां पे देख सकते हैं पूजा पाठ करने के बाद वापस। पहले बचपन में ये बहुत दूर लगता था, बट अब बड़े होने के बाद सब कुछ पास पास लगता है और सब कुछ छोटा छोटा लगता है। और बिल्कुल बचपन में आए थे और उसके बाद इतने बड़े होने के बाद पहली बार आए रहे हैं यहाँ पे, देख के थोड़ा सा अजीब फीलिंग भी है कुछ। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से घर आ चुके हैं, और यहाँ पे मम्मी लोग अब ये बरगद का पूजा करेंगे। पहले तो यहाँ पे बरगद का पूजा नहीं किया जाता था क्योंकि सब लोग इस पे चढ़ते रहता था और खेल कूद करता था बच्चा सब, बट अब यहाँ पे पूजा होने लगा है। तो ये देख सकते हैं पहले बहुत ज़्यादा बड़ा था पेड़, अब तो मिट्टी भरवा दिया गया है इस वजह से ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है, नहीं तो इसका जड़ बहुत दूर तक फैला हुआ था। तो और यहाँ से देख सकते हैं घर का नज़ारा, घर कैसा दिखता है बाहर से। और यहाँ पे पूजा हो गया है, बगल में यहाँ पे पेड़ के पीछे देख सकते हैं अंकल जी खड़े हैं, और उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इधर उधर कोई बिना वजह भटके, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं किसी को भी घर से बाहर किसी तरह बिना किसी काम के निकलना बिल्कुल भी मना है, और उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो अभी भी वो देखते रहते हैं। तो बचपन से ही हम लोगों का घर में ही रहने का आदत था, बिल्कुल बाहर नहीं जाने का, और ये सब बाहर में किसी के घर दूसरे के घर आना जाना अंकल जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इस वजह से हम लोग ज़्यादातर घर में ही खुद में ही खेलना कूदना सब कुछ घर में ही होता था। और तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटी फुआ जो है वो दादी माँ का कपड़ा निकाल रही हैं, क्योंकि दादी माँ बीमार है तो वो यहाँ आ नहीं सकती हैं, तो उनके लिए जो भी सामान ले जाना है वो अभी फुआ ही ले जाएंगी, क्योंकि अंकल जी को कुछ पता भी नहीं चलता है क्या सामान लेके जाना है और क्या उनको चाहिए, ज़रूरत का जो भी सामान है ये हम लोग ही लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये कोहवर जो है ये मम्मी का बना हुआ है, और ये रूम जिसमें हम लोग सोते थे बचपन में, और ये भी रूम ये मम्मी का ही है। और एक रूम से दूसरा रूम जो है यहाँ पे सब अटैच ही है, सब के एक रूम से दूसरे रूम में जाने का दरवाज़ा सब मिला हुआ है। और यहाँ पे फुआ सामान ही निकाल रही हैं और हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं रूम। तो बाहर किचन है, ये दोनों रूम हैं, और बीच में एक बरामदा है अंदर जिसमें अब पूजा होता है, पहले वो खुला हुआ था और दूसरे आंगन में जाने का रास्ता उधर से ही था, बट अब उसको बंद करवा दिया गया क्योंकि पीछे जो है वो खेत हो गया, आंगन बिल्कुल टूट चुका था तो उसको बंद करवा दिया गया। और बाहर निकलने का दो दरवाज़ा है, एक इस रूम से है और एक दूसरे रूम से जिस रूम में पूजा होता है उस रूम से। तो यहाँ पे हो गया सब कुछ पूजा पाठ और हम लोगों का हो गया निकलने का टाइम, तो अब हो गया फिर से वापस जाने का टाइम। बहुत ज़्यादा देर हम लोग यहाँ पे नहीं रुके, बस पूजा पाठ किए और फिर वापस अपने घर कुरसेला। तो ये गांव भदैया टोला है, तो बहुत लोगों को ये नाम थोड़ा अजीब लगता है, बट ये गांव का नाम भदैया टोला ही है। एक छोटा सा गांव है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और ये कुरसेला जो कोसी के एक तरफ पड़ता है और ये भदैया टोला जो गांव है वो कोसी के दूसरे तरफ पड़ता था। तो पहले तो कोसी नाव से पार किया जाता था या फिर वो बांस का चचरी बनाया हुआ रहता था उससे, बट अब पुल बन गया, पुल को बना हुआ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आज से 10-12 साल हो गया फिर भी, तो जब से पुल बन गया तब से आना जाना गांव का जो है वो डिस्टेंस भी कम हो गया और आने जाने में आसानी भी होने लगा। तो वो जो पुल आपके साथ शेयर किए हैं वही पुल जो है वो पहले नहीं था, तो गांव में जो कोसी पार करके आना पड़ता था तो कभी नाव से या कभी चचरी पे से,
तो अब वो सब नहीं है। अब गांव को भी जो है वो पुल से जोड़ दिया गया, तो बहुत आसान है। और पहले के टाइम में ऑटो भी नहीं था, तो इतना आसान नहीं था गांव आना। बस एक रिक्शा का ही साधन होता था, या फिर बाइक से ही हम लोग आते जाते थे, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं था यहाँ आने का। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, अब बहुत आसान है यहाँ आना। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का निकलने का टाइम हो चुका है, तो यहाँ पे घर जो है वो अंकल जी लॉक कर रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पे सब लोग थोड़ी देर के लिए बैठे हैं। और सब लोग बैठे हैं यहाँ पे इसलिए क्योंकि हमको वीडियो बनाना था और घर का नज़ारा आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो चलते हैं, ये देख सकते हैं ये पीछे किचन है, और यहाँ से देख सकते हैं पूरा घर कितना बड़ा दिख रहा है। और सामने जो ये पूरा बनाया गया है, ये अंकल जी बाहर टहल रहे हैं, और ये बरगद का पेड़ जिस पे ढेर सारा चमगादड़ जो है वो है, और ये ट्रैक्टर है हम लोगों का, और ये पीछे बांस का पेड़ जो है देखने बहुत सुंदर लगता है, और वहाँ गांव में बहुत ज़्यादा बांस का पेड़ होता है। और ये हम लोगों के बाबा का रूम था, ये बाबा जो थे वो टीचर थे, तो उनका एक यहाँ पे अलग रूम था जिसमें बुक वुक रखा रहता था, और उनका सोने का भी जगह यहीं था, तो यहाँ पे अकेले वो सोते थे। और ये दूसरे तरफ देख सकते हैं ये सब रूम जो है, एक रूम में पहले भूसा रखा जाता था, और अनाज वनाज जो भी खेत से आता था, आलू या जो भी है, वो सब रखा जाता था इस सब रूम में बाहर में। तो और बाहर में जो बड़ा जैसा ये आंगन जैसा जो देख रहे हैं, वो मकई सुखाने के लिए बनवाया गया था, बहुत बड़ा, ताकि मकई को सुखाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि मिट्टी में सूखने में दिक्कत होता है या पसारने में, फैलाने में, तो इस वजह से यहाँ पे सोलिंग करवाया हुआ है। ये देख सकते हैं नीचे पूरा बहुत बड़ा। तो हम लोग भी बहुत इस पे खेले कूदे हैं, बहुत मज़ा मस्ती करते थे, और यहाँ ट्रैक्टर पे भी हम लोग चढ़ा करते थे, बहुत मज़ा आता था ट्रैक्टर पे भी चढ़ने में। और ये बीच वाला जो खाली दिख रहा है, ये ट्रैक्टर रखने के लिए बनाया हुआ रूम है, जब भी ट्रैक्टर का काम नहीं होता है तो इसी रूम में ट्रैक्टर को रख दिया जाता है, और जब काम होता है तो ये बाहर ही रहता है। और ये सब रूम में ये अनाज या जो भी खेत से आता था वो सब इसमें रहता था, या फिर भूसा। और ये सामने जो देख रहे हैं ये था रूम जिसमें ट्रैक्टर का सामान या फिर जो भी खेती का सामान है वो सब इसमें रहता था। और पहले तो इस यहाँ पे अंकल जी लोग सोते थे, बट अभी वो किसी मज़दूर को दिया गया है घर देखने के लिए, तो वो लोग यहाँ पे देख रेख करते हैं, वो लोग यहाँ पे सोते हैं। तो जब सब लोग घर में रहते थे तो यहाँ पे जेंट्स लोग सोते थे और लेडीज़ लोग अंदर। और यहाँ पे बरगद का पेड़ देख सकते हैं, तो बाहर का नज़ारा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो बाहर से देख सकते हैं घर किस तरह से दिख रहा है, और ये बगल का जो दुकान सब भी है ये सब भी अपना ही है। तो बहुत बड़ा सा स्पेस है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है देखने में भी, और बचपन में खेलने कूदने में भी बहुत मज़ा आता था। हम लोग भी ये बरगद के पेड़ पे भी हाथ के खेलते थे हम लोग, और कभी कभी इसमें दादी माँ झूला भी टंगवा देती थी, तो इस बरगद के पेड़ पे हम लोग झूला भी बहुत ज़्यादा झूले हैं। और ये सामने फिर से देख रहे हैं ये सामने वाला खेत भी, इसमें भी पटुआ लगाया गया है। तो यहाँ पे अंकल जी भी खड़े हैं, खेत तो बहुत ज़्यादा है आसपास, सब जगह है, लेकिन और भी है बहुत जगह, लेकिन दिखा नहीं सकते क्योंकि हम तो यहीं पे जा सकते हैं, और बाकी हम लोग ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं। और ये नारियल का पेड़ जिसमें बहुत सारा नारियल फड़ा हुआ है अभी भी, और जब भी दादी माँ छठ करती थी तो ये दोनों ही नारियल के पेड़ से नारियल चढ़ता था छठ में, और नारियल कभी बाहर से ख़रीदने का ज़रूरत नहीं पड़ता था, तो हमेशा घर में ही हो जाया करता था। तो ये सब नारियल का पेड़ है, और अभी कोई भी नहीं है, ना नारियल खाने वाला, ना कटहल, कुछ भी। तो गांव जो घर है बिल्कुल वीरान पड़ा है, और बस खेती बाड़ी के वजह से ही अंकल जी जो यहाँ का देखभाल कर रहे हैं अभी, और पता नहीं अब कुछ साल के बाद यहाँ ऐसा रौनक भी होगा या नहीं बिल्कुल, बट फिर भी यहाँ वीरान जैसा नहीं लगता है, क्योंकि लगता है कि बस यहाँ पे आदमी नहीं है, नहीं तो अच्छा ही लगता है।
और ये सब, ये बाबा का जो रूम था वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही, बस ऊपर का ये जिसका जो छप्पर है वो टूट चुका है, तो अब कोई है भी नहीं, तो यहाँ पे किसी को ज़रूरत भी नहीं है कि कोई बनवाए, तो इसलिए अब तो जो जैसा है वो वैसा ही, जब तक टिका है तब तक है। और ये कटहल का पेड़ देख सकते हैं, बहुत बड़ा, बहुत पुराना है, ये भी हम लोगों के बचपन से ही देखते आए कटहल का पेड़। और इधर जो साइड में ये आजिमा का घर जो है, ये भी अब टूट रहा है, इसको भी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो और इसमें कोई आके देखता भी नहीं है, तो वैसे भी ये भी, ये उनका किचन था, तो यहाँ पे आजिमा खाना बनाती थी। और यहाँ पे मम्मी लोगों को देख सकते हैं, ये भी हम लोगों का ही बांस का पेड़ जो है, जो भी ये भी ज़मीन जो है ये सब अपना ही है। और ये ओल का पेड़, तो ये जो बांस है हम लोग के गांव में, ये जहाँ भी बांस होता है उसको बसबाड़ी बोला जाता है, तो ये बसबाड़ी भी हम लोगों का ही है, आसपास सब कुछ अपना ही है, दूर दूर तक जो भी है खेत दिख रहा है सब लोग, सब कुछ हम लोगों का ही है, और सब में खेती बाड़ी सब कुछ अभी हो रहा है। तो बहुत अच्छा लगा बहुत टाइम के बाद गांव जाके, और वैसे गांव का जो माहौल है वो बिल्कुल पहले जैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला अभी भी, और सब कुछ वैसा के वैसा ही है, बस हम लोग बच्चे से बड़े हो गए और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया है गांव में, सब कुछ पहले जैसा ही है। तो अच्छा लगा गांव जाके, और आपको मेरा गांव कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अगर पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा मेरा गांव। और ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब हम लोगों का निकलने का टाइम हो चुका है, और आपको गांव दिखा चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं गांव का जो टूर है होम टूर वो हो चुका है। तो वापस हम लोग जा रहे हैं अब कुर्सेला की तरफ, यहाँ पे पूजा पाठ हम लोगों का हो चुका था, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, और टाइम भी 11:30 हो चुका था हम लोग को निकलते हुए, तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, तो हम लोग को घर भी जाना था, और बिना खाए पिए ही हम लोग पूजा करने, तो वैसे बिना खाए ही आया जाता है, तो वैसे सब लोग भूखे ही थे, तो बहुत लेट हो रहा था, इसलिए फिर हम लोग जल्दी जल्दी पूजा पाठ करने के बाद निकल चुके हैं कुर्सेला की तरफ। और यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं, और यहाँ पे अंकल जी को देख सकते हैं, हम लोग आगे जा रहे हैं और पीछे से अंकल जी भी आ रहे हैं, और हम लोग निकल चुके हैं, तो 10 से 15 मिनट में हम लोग फिर अपने घर पे पहुँच जाएंगे। और ये देख सकते हैं, यही पुल है जो कोसी के ऊपर बनाया गया था, तो ये भी बहुत पुराना हो चुका है, अब 10-12 साल हो चुका है इसको ही बने हुए, तो जब से ये बना है तब से कुर्सेला से बदेट उलाना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है, क्योंकि पहले तो लोग डेली का ज़रूरत का सामान लेने के लिए कुर्सेला ही जाते थे, तो बड़ी मुश्किल से जाना आना हो पाता था, अब आसानी से आना जाना हो पाता है सबका। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुर्सेला जाने का जो, और ये देख सकते हैं ये कोल्ड स्टोर है, पीला जो दिख रहा है बड़ा सा बिल्डिंग, ये कोल्ड स्टोर है, तो यहाँ पे ही सब का अनाज जो भी है या आलू है वो स्टोर किया जाता था, तो अभी भी होता है। और ये हम लोग आ चुके हैं अपने घर के पास, तो ये मेन NH है, NH 31 है ये, जो कि ये हाईवे के बगल में ही हम लोगों का घर है, तो ये बस स्टैंड है, ये चौराहा है, तो यहीं पे सब कुछ है, मेन चौक ये जो कुर्सेला का है वो यही है, तो मेन चौक पे ही हम लोगों का घर है, बिल्कुल 10 कदम के अंदर गली है उसमें हम लोगों का घर है, तो दिखाते हैं आपको आगे। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो चाय का दुकान जो दिख रहा है उसके साइड से ही रास्ता अंदर जाने का है, तो यहाँ से ऑटो जो है वो अंदर की तरफ जाएगा, तो आपको दिखाते हैं, रुकिए। तो मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आगे आपको ये कुर्सेला के घर का भी होम टूर ज़रूर देंगे, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में,
और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यहाँ सामने से ही हम लोगों का घर दिख रहा है, तो ये दूर से आपको समझ में नहीं आएगा, वो पास से आके आपको दिखाते हैं। और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो जल्दी ही आएगा, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और इंतज़ार कीजिएगा अगले ब्लॉग का, तो जिसमें आपको ये कुर्सेला का होम टूर देंगे जो कि ये टाउन में बनाया गया था। तो ये क्योंकि सब लोग पढ़ लिख सके और फैसिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है इस वजह से, और गांव में तो अब कुछ भी नहीं रहा, बस खेतीबाड़ी जो है वही है, और ये आगे का फ्यूचर सोच के यहाँ पे घर बनाया गया था। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, आगे आपको इस घर का भी होम टूर देंगे ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।